हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज भारतीय संसदीय प्रणाली में सदन का अध्यक्ष के बारे में। ये किस संदर्भ में चर्चा में है उसे भी देखेंगे। भारतीय संसद प्रणाली में अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है उसे भी देखेंगे। संवैधानिक प्रावधान देखेंगे और पक्षपात का आरोप भी देखेंगे अध्यक्ष पर जो लगता आया हुआ है, इसके उपाय देखेंगे और आगे की राय क्या होगी उसे भी देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किस संदर्भ में ये चर्चा में आया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर विधानसभा में विधायकों की अयोग्यता से संबंधित केसे मेघचंद सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष वाद पर चर्चा करते हुए सिफारिश की है कि सदन के अध्यक्ष के किसी एक राजनीतिक दल से विशेष संबंध को देखते हुए संसद को इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष को एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के रूप में 10वीं अनुसूची के तहत आयोग ठहराए जाने वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं। या तो कि कई अवसरों पर पक्षपात के आरोप में लोकसभा विधानसभा अध्यक्षों की भूमिका पर प्रश्न उठाया जाता रहा है। किसी विशिष्ट राजनीतिक दल से संबंधित होने के कारण लोकसभा व विधानसभा अध्यक्ष सदैव ही संदेह के दायरे में रहते हैं। अध्यक्ष के पद से संबंधित उक्त विवादों को देखते हुए यह आवश्यक है कि पद को लेकर बड़े बदलाव किए जाएं ताकि लोकसभा व विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष पद की गरिमा बनाई जा सके। जैसा कि आपको पता होगा, जब किसी सदस्य की, चाहे विधानसभा सदस्य हो फिर लोकसभा सदस्य, अयोग्यता ठहराने का अधिकार अध्यक्ष के पास है, फिर लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष अगर पार्टी का है, उसी पार्टी का सदस्य है वो जिसकी अयोग्यता ठहराना है, आयोग करार देना है, तो उस मामले में अध्यक्ष पक्षपात व्यवहार करता है। कभी कभी निर्णय असीमित काल के लिए टाल देता है जिससे जब तक कार्यकाल खत्म हो जाता है उस सदस्य का, इस तरह के कई पक्षपात व्यवहार करता है। बात करते हैं हम लोग उसी को बदलने की, ये बात कर रहा है। बात करते हैं हम लोग भारतीय संसद प्रणाली में अध्यक्ष के बारे में। संसद के प्रत्येक सदन का अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। राज्यसभा में इसे सभापति और लोकसभा में इसे अध्यक्ष कहा जाता है। याद रखिए, राज्यसभा में क्या कहते हैं इसे? सभापति। लोकसभा में इसे अध्यक्ष कहते हैं। इस प्रकार राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन का भी अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा में से अध्यक्ष और विधान परिषद में इसे सभापति कहा जाता है। भारतीय संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अध्यक्ष सदन की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि सदन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अध्यक्ष एक प्रकार से राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का प्रतीक होता है। सदन का अध्यक्ष सदन के प्रतिनिधियों की का मुखिया और उनकी शक्तियों और विशेषाधिकारों का अभिभावक होता है। भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई महत्वपूर्ण उदाहरण मौजूद हैं जिनमें सदन के अध्यक्षों ने महत्वपूर्ण निर्णय लेकर राज्य या राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित किया है। वर्ष 1988 में तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष पीएच पांडियन ने अपनी ही पार्टी के अन्नाद्रमुक एआईएडीएमके के 6 वरिष्ठ मंत्रियों को अयोग्य ठहराया था। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान के बारे में। क्या संविधान में प्रावधान है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। वहीं संविधान का अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद रिक्त होने, पद त्याग देने या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। याद रखना, 93 में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान और 94 में अनुच्छेद में
लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्ति के संबंध में प्रावधान है। वही संविधान के अनुच्छेद 179 में विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने पर पद त्याग देने या पद से हटाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए। ठीक है, अनुच्छेद के 95, अनुच्छेद 95 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने अथवा उसके दायित्वों का निर्वहन करने की उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्तियों की शक्तियों का उल्लेख किया गया। वहीं अनुच्छेद 180 के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने अथवा उसके दायित्वों का निर्वहन करने की उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्तियों की शक्तियों का उल्लेख किया गया। संविधान के अनुच्छेद 96 लोकसभा से संबंधित और अनुच्छेद 181 विधानसभा से संबंधित है। इनके अनुसार यदि सदन के अध्यक्ष को पद से हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। इस तरह का कोई अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव अगर विचार में है तो वह अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। याद रखिए, संविधान के अनुच्छेद 97 में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और अनुच्छेद 186 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संबंधी प्रावधान। ठीक है, ये थे आपके संविधानिक प्रावधान। अब बात करते हैं हम लोग अध्यक्ष की भूमिका क्या है। अध्यक्ष की भूमिका क्या है? सदन का अध्यक्ष सदन का प्रधान प्रवक्ता होता है और सदन में सामूहिक मत का प्रतिनिधित्व करता है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के मामलों सहित सभी संसदीय मामलों में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, जैसे सामान्यतः न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। याद रखना, इस प्रकार अध्यक्ष सदन में मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करता है। हालांकि किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्लो मामले 1993 में सर्वोच्च न्यायालय का मत था कि 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में सदन के अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और उसे विनियमित करने के लिए सदन में व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखने का भी कार्य करता है। अध्यक्ष को बहस करने के लिए अवधि आवंटित करने और सदन के सदस्यों को अनुशासित करने का अधिकार, साथ ही वह सदन की विभिन्न समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को भी रद्द कर सकता है। सदन का अध्यक्ष सदन के कामकाज से संबंधित नियमों का अंतिम व्याख्याकार भी होता है। याद रखिए, बात करते हैं पक्षपात आरोप। जो पक्षपात आरोप लगते हैं उनके बारे में। अध्यक्ष पद के साथ निहित तमाम अधिकारों और शक्तियों के कारण स्वतंत्रता और निष्पक्षता इस पद के लिए एक अनिवार्य शर्त हो जाती है, किंतु इसके बावजूद समय समय पर अध्यक्ष पद पर राजनीतिक दल का एजेंट होने का आरोप लगाकर आलोचना की जाती है, क्योंकि आपको पता है अध्यक्ष उसी पार्टी का होता है जिसकी मेजोरिटी हो। ठीक है, तो इसलिए वो उसी के पक्ष में निर्णय देगा जिसका पार्टी का वो सदस्य। ठीक, अन्य देशों का क्या है मामला? कि अगर जब लोकसभा अध्यक्ष, जैसे अपने यहाँ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी बन गए अभी, तो ये तुरंत पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे देते। कई देशों में ऐसा भी है कि उस देश का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष तुरंत अपने इस्तीफा दे देता है अपनी पार्टी की सदस्यता से, जिस पार्टी का वो होता है। ठीक है, और वो निष्पक्ष रहता है। ठीक है, वर्ष 2006 की जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्पक्षता के मामले में अध्यक्ष की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्लो मामले 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा था कि सदन के अध्यक्ष की निष्पक्षता पर संदेह से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका चुनाव और कार्यालय सदन की बहुमत विशेष रूप से सत्ता पक्ष पर निर्भर करता है। याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीके और कार्यालय संबंधी कुछ संरचनात्मक समस्याएं हैं, जिनका तत्काल निवारण किए जाने की आवश्यकता है। अब उपाय क्या हो सकते हैं उन्हें देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इन समस्याओं का उपाय क्या हो सकता है?
आवश्यक है कि इस संदर्भ में वैश्विक स्तर पर प्रयोग होने वाली प्रथाओं का विश्लेषण किया जाए। भारतीय परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन कर उन्हें लागू करने का प्रयास किया जाए। जैसे ब्रिटेन में सदन का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से एक निर्दलीय सदस्य होता है, ब्रिटेन में यह परंपरा है कि अध्यक्ष को अपनी पार्टी से इस्तीफा देना होगा और राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना होगा। इसके अलावा वह एक बार निर्वाचित होने पर सेवानिवृत्त तक पद पर बना रहता है, भले ही सदन में उनके दल का बहुमत ना हो। न्यायालय ने हालिया केसम मेघचंद सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष वाद में एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण के गठन का सुझाव दिया है, जो 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से संबंधित मामलों को निपटने के लिए लोकसभा और विधानसभाओं के अध्यक्ष का स्थान लेगा। इस स्वतंत्र न्यायाधिकरण का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। निष्पक्षता और स्वायत्तता किसी भी मजबूत संस्थान की पहचान होती है, अतः आवश्यक है कि सदन के पद की निष्पक्षता और स्वायत्तता को बरकरार रखा जाए। आगे की राय के बारे में बात करें, आगे की राय क्या होगी? हस्तक्षेप और दबाव से मुक्ति ही एकमात्र मार्ग है जिसके माध्यम से तटस्थता का वातावरण तैयार किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को हस्तक्षेप और दबाव से मुक्त किए बिना उससे तटस्थ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। नवीनतम लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग में आई गिरावट नीति निर्माताओं के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में भारतीय नीति निर्माताओं से यह उम्मीद की जा सकती है कि वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान दें, उस संदर्भ में कम से कम समय में नियम बनाने का प्रयास करें। तो चलिए, यह था आपका अध्यक्ष पद के बारे में, जो विभिन्न पक्ष थे वो सभी देख लिए। ठीक है।